बादवी कहाँ से की थी तुमने पर भी मैंने स्कूल मतलब अपने स्कूल में वाओ आई गॉट इट आई गॉट टू मैंने मतलब है ना मेरे घर के पास ही एक स्कूल है अच्छा आ, हाँ, और फिर तो, तुमने आईटी मतलब है आईटी कोचिंग ली है आईटी की को कोचिंग ली मैंने दो साल आ, फिट जी पंजाबी बाग ओ। हाँ तो मैं बड़ा और मैं बड़ा शौकिया था सर पढ़ाई में ना सॉलिड थी मतलब मुझे शौक बहुत था पढ़ने का अच्छा जैसे मेरा ऐसा वाला हिसाब नहीं था जैसे कुछ लोग कहते ना कि भाई माँ बाप के प्रेशर में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो अच्छा खुद था, था मेरा था। मेरे को मैंने खुद घर वालों को खुद बोला की मुझे आई टी करना है अच्छा? और, हाँ, और मुझे फिट जी जाना है और मुझे ज्वाइन करो मेरे घर वाले तो अगेंस्ट थे अरे बेटे लाइफ थोड़ी आराम से इतना क्योंकि उन्होंने मेरी बड़ी बहन को देखा था उन्होंने भी उनको समझ में आया था प्रेशर प्रशर बहुत होता है घर वाले ने मेरे को बोला तू डिसीजन ले एंड uh, हमारी तरफ से कोई प्रेशर मत लियो कि भाई मतलब तुम्हें प्रूव करने के लिए हा, बट मुझे शौक था पढ़ने का अच्छा हाँ मैं मतलब मैं, मैं, और और मैं बहुत ही किताबें बनाई बनाई आपने वर्मा, शर्मा <laughs> नहीं नहीं अच्छा वैसे सॉल्व करने में कि हाँ। भाई हाँ, हाँ, हाँ। ये अगर आपने सॉल्व कर दी ना तो मतलब जैसे उसमें से कुछ भी नहीं आता है लेकिन वो ना क्लास में ऑफ के लिए बहुत बढ़िया

<laughs> <laughs> तो तो बट वो बहुत आता है। मेरे हाँ। लगता है, खासकर वो बहुत बहुत ज़्यादा आता है है खासकर चीज़ आपकी ज़िंदगी का सर, मतलब 11, वाला जिसमें समाज की जिम्मेदारियाँ मतलब आपको लगता है कि हर कोई फोड़ रहा है और ये जो लड़कों की दस लड़कों की फोटो लगी रहती है बोर्ड पे हाँ। सक्सेस है ये हाँ ये सक्सेस है कि ए आई आर दस ए आई आर बारह तो मुझे लगता था यार ये तो मैं बहुत ही जुनूनी

पता नहीं बहुत टाइम की पहले की बात है तो भाई स्ट्रिंग आया था तब पाकिस्तानी बैंड वहां पे परफॉर्म कर और भाई बहुत ज्यादा भीड़ और फिर हम हॉस्टल में रुके थे, ओ, थे, थे। है। है। हाँ। और फिर भाई वहां पे इसके मेरे दोस्त के सारे हॉस्टल के दोस्त और वो भाई रात को लड़ाई कर रहे फॉर नो रीजन गीले मतलब? होके तो को गीला करके मारे जा रहे हो और मैं कह रहा हूँ ये क्या चल रहा है इनको क्या हो गया ये सारे मतलब, पागल हो गए हमारे कॉलेज में सर बहुत प्यारा कल्चर है मतलब मैं ये लड़ाई वाला ये वाला नहीं जैसे मतलब अब मैं बार बार क्या बोलू बट आई फील ब्लेस्ड

क्या अच्छा? रे मेरे रूम पे रुक जा <laughs> okay, और तो उनको, फो, आ, उनको फोर्थ ईयर में पता लगा कह वो तेरा भी नहीं है मैंने नहीं मेरा भी नहीं <laughs> क्योंकि हॉस्टल में लड़के क्या करते हैं कि मतलब बाहर एक पीजी भी ले लिया एक फ्लैट भी ले हाँ रखा हाँ हाँ है क्योंकि हाँ मजा ज्यादा वहां आ रहा है हाँ 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 तो फिर एक रूम हमारे और बढ़िया जान पे जान अपनी मतलब बहुत अच्छे लोग थे वार्डन 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 भी सही मतलब वो एक टाइम के बाद हो हाँ ही जाता है सर आपका और वार्डन ज्यादा हमारे ना मतलब ग्राउंड से जमीन से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं ना मेरी तो बहुत बढ़िया बनती है भाई ठीक है तो गार्ड वार्ड से बहुत बढ़िया बनती थी हमारी तो ऐसा मतलब ऐसा होता है हमारे हॉस्टल के जो गार्ड थे वो मेरे लिए लड़े हैं वार्डन से अच्छा हाँ इसको कैसे कह दिया आपने अरे भैया तो, इसको भाई देते देते थे थे क्या टाइमली वो वो भी देते थे <laughs> वो तो उनकी रहती है, हो जाएगा है। तो हम ऐसे करते थे बीच बीच में उनको स्कूटी पे गार्ड भैया हमारे उनको स्कूटी पे बैठा के वेस्ट साइड ले जाते थे और उनको बोलते थे यहाँ से एक शर्ट खरीद लो आप

तो बड़े खुश हो जाते थे उनका ऐसा वो इतना हमारा अच्छा रिश्ता था कि उनके बच्चे जो थे वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हमसे दिलवाना है हमारे तो मत बनाना हो बच्चे आप ये जो रात में लड़के हॉस्टल में कर रहे हैं ये सब नहीं है आपका बच्चा करे तो बेहतर है तो वो हम ले जाते थे उनको तो बड़ा हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता था पारिवारिक था ऐसा था मतलब कि हम आ रहे हैं तो वो खाना वाना भी साथ खाते थे कई बार अच्छा, हमारे अच्छा बड़ा प्यारा रिश्ता तो था हमारा तो हॉस्टल में रहता था बट मेरे को अलॉटेड नहीं था तो कॉलेज में सर हमने हॉस्टल में बहुत बहुत बकते की को, को, कोई कांड बताओ जो एकदम अभी याद पे आ रहा हो कि अरे मतलब कि जैसे छोटी-वंडी चीजें जैसे हमारे हॉस्टल में ना ये था कि भाई हगना बहुत मुश्किल था ठीक है क्यों अब जैसे क्या कि हॉस्टल में वो होते हैं वॉशरूम्स होते हैं ठीक है, है? है तो एक चलन पता नहीं कहाँ से ये आया कि जब कोई हगराओ हो अगर हम मग्गा भर के ऊपर से फेंक दें <laughs> तो कितना मजा आ जाएगा किसी लेकिन फिर ये खौफ बन गया। और सर अरे गुप्ता है चल चल चल। और वॉशरूम है चार फ्लोर, चार फ्लोर के दोनों भाई लड़के भाग रहे हैं इस दौड़ में फिर बोल रहे हैं, सेकंड फ्लोर राइट वाला सेकंड जब तक मैं आपको बता रहा हूँ हमारे कॉलेज के लड़के फास्टेस्ट दुनिया में फास्टेस्ट हगते हैं भाई साहब

ऐसा जो जमाना आपको रियलाइज करता है मेरे को नहीं हुआ था नहीं। जमाना आपको आके बताता है कि आपने वक्त बर्बाद कर दिया सब कि ये जो तीन साल साढ़े तीन साल जो आपके निकले हैं ये सब बर्बाद तो हो, गया। हो हाँ, तो हाँ। मतलब तो 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 बोला होगा ना ना और फिर सर जब वो बोलते हैं कहीं तो कहीं ना कही ना आपको हकीकत दिखती है उसमें कि, कि बात तो सही कहता था यार कि काबिलियत पे तो हमने काम किया ही नहीं हाँ, हाँ। हमने बस बकैती की और बहुत अच्छे रिश्ते बनाए मेरे कॉलेज में यही हुआ है मेरे को बहुत अच्छे रिश्ते बनाए मैंने और बकैती की पूरी तो मेरे को एकदम तो उस टाइम पे ना आप ये जो इतनी वैल्यूएबल चीज है जो आपको बाद में समझ में आता है की जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल यही है तो लोग आके बोलते थे कि ये है ही नहीं वैल्यूएबल ये, ये तो बिल्कुल खराब बात है बिल्कुल, बिल्कुल। कि रिश्ते रिश्ते ही तो सबसे मुश्किल काम है और सर वो मतलब इतने सेल्फलेसली कोई आपका आपकी केयर कर रहा है जैसे नहीं हमारे नहीं। आज भी कॉलेज के जो दोस्त यार मेरे हम, हमारे लड़के जो हैं कॉलेज के हॉस्टल हॉस्टल के भाई साहब एक कॉल करो जैसे मैं शो करने जाता हूँ एक कॉल करता तो बैंगलोर आ रहा हूँ कह ठीक है भाई मैं जाता हूँ घर में सब वो मेरे लिए एक कमरा रेडी रखता है आ, कि भाई तू और उसको सब पता है कि शाम को तेरा शो है ना तो सात बजे मैंने चेक कर लिया बुक शो बजे शो है तो ये मेरी स्कूटी रख ले स्कूटी से चले जाइए इजी पड़ेगा क्योंकि बैंगलोर में ट्रैफिक है आ, कैब में तेरे, आ, तेरे आ, को टाइम आ, लगेगा कमरा रेडी किया हुआ है छोले भटूरे घर पे ऑर्डर हो रखे हैं कि भाई जैसे मैं लैंड करूंगा तब ऑर्डर कर देगा वो कि एक घंटा तेरे को आने में लगेगा चालीस मिनट में छोलो भाई मैं आऊंगा गर्म कर रहा है मतलब वो

आप सुनाते हैं और उसी से आपकी मतलब आप एज एन इंडिविजुअल निखरे रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी जो बनी है वो आप उन्हीं हरकतों से का शेप अप करके आप बनते हो ना तो फिर पहले उस दौर में मेरे को लगता था अरे यार कुछ खराब कर दिया गया हमने साढ़े तीन साल खराब कर दिया <laughs> और फिर देखते हो आपको लगता है क्या किया क्या है भाई साढ़े तीन साल करते क्या थे आ, तो बट फिर अब मेरे को बहुत अच्छा फील होता तो गए ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए सो डोंट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स